साथ साथ जो वेजिटेबल्स हैं उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा खाने में। ये बहुत ही अच्छा, और मसाला जो है ना वो बहुत ही अच्छा है इसके अंदर, बहुत ही स्पाइसी सा है। जयश्री एंड दिस इज माई चैनल लाइफ इज ब्यूटीफुल। इस चैनल पर आपको मिल जाएगी इंदौर से और बाकी सिटीज से भी रिलेटेड फूड और ट्रैवलिंग की वीडियोस। और आज हम पहुंचे हुए हैं इंदौर के ओल्ड पलासिया में। यहाँ पर एक बहुत ही फेमस फूड स्ट्रीट है जहाँ पर आपको अलग अलग तरह के पकवान मिल जाएंगे। तो आज हमने वहाँ पर ऑर्डर किया है सपना सैंडविच से इंदौर मसाला सैंडविच। इसका नाम इंदौर मसाला सैंडविच मुझे पता है क्यों रखा हुआ, क्योंकि इसके ऊपर है सेब, और इंदौर की जिस भी चीज के ऊपर सेब डल जाए ना तो वो इंदौर की स्पेशलिटी हो ही जाती है। मसाला सैंडविच का, तो इसके ऊपर है सबसे पहले सेव। इंदौर की हर चीज के ऊपर सेव डलना ही डलना है। और ये है हरी चटनी, इसके अंदर जो है मायोनीज है, और शायद ये आलू है, ये थोड़ी सी सब्जियां हैं इसके अंदर, प्याज है, टमाटर है, कैप्सिकम है, जो भी चीजें सैंडविच में डलती है वो है। सो ये है इसके अंदर की फिलिंग, और अब इसे हम टेस्ट करके आपको बताते हैं कि ये कैसा है। जैसा कि इसका नाम है मसाला सैंडविच, ये टेस्ट करने में उतना ही अच्छा है। अगर आप आलू सैंडविच और वेजिटेबल सैंडविच के शौकीन हैं, तो आप दोनों को ही मिक्स करके खा सकते हैं इस सैंडविच के रूप में, क्योंकि इसके अंदर आपको आलू का भी पूरा टेस्ट आएगा और मायोनीज के साथ साथ जो वेजिटेबल्स हैं उसका भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा खाने में। ये बहुत ही अच्छा, और मसाला जो है ना वो बहुत ही अच्छा है इसके अंदर, बहुत ही स्पाइसी सा है। इट्स वेरी नाइस। मैंने सोचा कि मैं खाने में कुछ इंदौर की चीज जो है ऑर्डर कर रही हूँ, तो क्यों ना ड्रिंक के साथ भी यही हो जाए। तो इसीलिए मैंने ऑर्डर की है लस्सी। यहाँ पे ये लस्सी बहुत ज्यादा चलती है, हालांकि ये थोड़ा सा ऑड सा कॉम्बिनेशन है, लेकिन मुझे लगा कि कुछ तो न्यू होना ही चाहिए, तो इसीलिए ये जो है लस्सी मैंने ऑर्डर की। यहाँ पे ये लस्सी इतनी ज्यादा चलती है कि आपको हर एरिया में इसकी शॉप्स मिल जाएंगी। ये मीठी लस्सी है और इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो फिलहाल अंदर चले गए हैं, और ये काफी थिक होती है, ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी। तो अगर आप चाहते हैं कि मीठी लस्सी इंदौर की पी जाए, तो आप डेफिनेटली जो है इसके लिए ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा रिफ्रेशिंग ड्रिंक होता है।
केसर मीठा लस्सी और साथ में ड्राई फ्रूट्स, यही है इसकी पूरी डेफिनेशन। सो दिस वॉज माई वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि इंदौर के ओल्ड पलासिया में फूड स्ट्रीट है और यहाँ पे बहुत कुछ मिलता है, बहुत ही अच्छा मिलता है। थोड़ा सा क्योस रहता है यहाँ पे, लेकिन यहाँ जो बैठने की सीट्स है ना वो बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे फाउंटेन है और बैठने के लिए अलग से जगह है। थोड़ा सा शोर शराबा मिलेगा लेकिन बैठने के लिए बहुत मजा आएगा। सो ये थी मेरी वीडियो। अगली वीडियो में भी कुछ इसी तरह की मैं और चीजें नई लेके आऊंगी। तब तक के लिए अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरी लाइफ इज ब्यूटीफुल के पेज पे आप देख सकते हैं। तब तक के लिए मैं चलती हूँ अब, बाय बाय।